के प्रतिष्ठित होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर एसबी तिवारी को दुबई में बर्नेट होम्योपैथी द्वारा आयोजित वर्ल्ड होम्योपैथी समिट में अंतर्राष्ट्रीय नेफ्रोलॉजी सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि बर्नेट होम्योपैथी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित इस वर्ल्ड होम्योपैथी समिट में भारत सहित दुनिया भर से होम्योपैथी चिकित्सा क्षेत्र में अपना अद्वितीय योगदान देने वाले चिकित्सकों को आमंत्रित किया गया था। इस वर्ल्ड होम्योपैथी समिट में भारत के लखनऊ शहर से आने वाले प्रतिष्ठित होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर एस बी तिवारी को प्राइड ऑफ होम्योपैथी अवार्ड यानी अंतर्राष्ट्रीय नेफ्रोलॉजिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। डॉक्टर एस बी तिवारी भारत के प्रसिद्ध नेफ्रोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने होम्योपैथी के माध्यम से किडनी रोगों के उपचार में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है तथा अनगिनत मरीजों का सफल इलाज कर उन्हें नया जीवन दिया है। भारत के प्रसिद्ध होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर एस बी तिवारी का नाम 25,000 से अधिक सफल पथरी उपचार के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है, जो उनके होम्योपैथी चिकित्सा क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान को प्रमाणित करता है। अभी कुछ दिनों पूर्व दुबई के बुर्ज अल अरब होटल में एक वर्ल्ड होम्योपैथी समिट का आयोजन किया गया। लखनऊ के प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉक्टर एस बी तिवारी कल्याण जी को इस वर्ल्ड होम्योपैथी समिट में वर्ल्ड नेफ्रोलॉजिस्ट यानी कि प्राइड ऑफ होम्योपैथी अवार्ड से सम्मानित किया गया। डॉक्टर एस बी तिवारी कल्याण जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करें। सर, सबसे पहले तो इस विशेष सम्मान के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी हृदय से आभार। सर, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि वर्ल्ड होम्योपैथी समिट में आपने पार्टिसिपेट किया जहां आपको वर्ल्ड नेफ्रोलॉजिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया, ये होम्योपैथी समिट क्या थी और ये वर्ल्ड नेफ्रोलॉजिस्ट अवार्ड क्या है, किन लोगों को ये दिया जाता है, इसके विषय में बता दिए। देखिए, ये वर्ल्ड होम्योपैथी समिट बर्नेट होम्योपैथी द्वारा होम्योपैथी के क्षेत्र में अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले उन चिकित्सकों को दिया जाता है जो होम्योपैथी के लिए कुछ कर रहे हैं और उन्होंने कुछ करके दिखाया है। रही बात नेफ्रोलॉजिस्ट की, तो देखिए, नेफ्रोलॉजी से आप समझ रहे हैं कि ये किडनी से संबंधित समस्याओं का जहाँ निदान होता है उसमें नेफ्रोलॉजी की बात आती है। तो आपको पता होगा कि आज ईश्वर की कृपा से, बजरंगबली की कृपा से, मैं किडनी के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और मैं अपने से कुछ नहीं कहूँगा। आप लोग देखते हैं, नित्य नई प्रमाण के साथ प्रस्तुतियाँ मैं देता हूँ जिसके वजह से इस संस्था ने मुझे इस लायक समझा और मुझे इस अवार्ड से नवाजा। सर, आपको पूर्व में भी कई तरह के बड़े अवार्ड, आप अभी कुछ दिनों पूर्व सिंगापुर में भी सम्मानित हुए थे, अब दुबई, तो कितना अच्छा लगता है जब आपकी प्रतिभा को, आपके सेवा समर्पण को इस तरह का कोई सम्मान मिलता है। देखिए, कहा जाता है ना कि हवा का काम है चलना, दिए का काम है चलना, हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना, वो अपना काम करते हैं, मैं अपना काम करता हूँ। तो देखिए, जब आप सही चीज करते हैं, करते चले जाते हैं, तो आपको इस तरह की चीजें जरूर मिलती हैं और मिलती रहती हैं। तो मुझे पता है कि मुझे सही चीज करना है, ईमानदारी से काम करना है और इस तरह की चीजें मुझे अवार्ड मिलते रहते हैं और खुशी मिलती है जब इस तरह के चीजें, इस तरह का सम्मान कहीं भी मिलेगा तो किसी को भी खुशी मिलती है। तो ठीक उसी ह्यूमन बीइंग की तरह मुझे भी खुशी मिलती है और आगे भी मैं अपने कार्य को करूंगा, जिम्मेदारी से करूंगा और हमें उम्मीद है कि हमें और भी अवार्ड मिलेंगे। दर्शकों, आपको एक विशेष बात बताते हैं, डॉक्टर एस बी तिवारी कल्याण जी का नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। 25,000 से भी ज्यादा सफल पथरी का इलाज इन्होंने बिना किसी ऑपरेशन के केवल होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के माध्यम से करके दिखाया है, उसके विषय में जानते हैं। सर, 25,000 एक बहुत, 25,000 से ऊपर एक बहुत बड़ी संख्या है। इतनी ज्यादा पथरियों का इलाज आज तक आमतौर पर सुनने को नहीं मिलता है, कितनी बड़ी उपलब्धि आप मानते हैं इसको? देखिए, हम ये मानते हैं कि अगर आप अपने कार्य के प्रति समर्पित हैं, पूरी लगन से आप अगर कार्य को कर रहे हैं, तो ऐसे आंकड़े कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती। और कहा जाता है ना कि सोचने के सोच में संकोच ही निसंकोच असंतोष लेकर के आता है। तो हमने कभी सोचने की में संकोच नहीं किया और हम जब शुरुआत में, आज सन 97 से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, लगभग जो है मेरी प्रैक्टिस 22 साल हो गई और इस दौरान मैंने देखा कि होम्योपैथी में वाकई बहुत गहराई है और इसे
अगर सही तरीके से लोगों को तक पहुंचाया जाए तो ऐसे ऐसे आंकड़े पता नहीं कितने टूटेंगे। और आपको मैं बता दूं कि मैं खुद से ही हर साल अपना आंकड़ा खुद ही तोड़ने की कोशिश करता हूं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि सब कुछ आपको मेरा डाटा के साथ मिलेगा। ये हमारी जो पत्रिका आप देख रहे हैं, इसमें हर पेशेंट का पूरा डाटा मिलेगा, यानी हमने पेशेंट का नाम क्या है, उसकी उम्र क्या है, वो किस बीमारी से सफ़र कर रहा था और कितने दिन में ठीक हुआ और वो कहाँ का रहने वाला था और उसके मोबाइल नंबर क्या था। तो इस तरह से हम डाटा बेस प्रैक्टिस करते हैं पूरे, यानी कहा जाए कि पूरी तरह से। अप्रत्यक्ष के लिए किसी प्रमाण की कोई ज़रूरत होती नहीं है, तो मैं प्रत्यक्ष सकिम प्रमाणम के आधार पर काम करता हूँ और ऐसे कोशिश करता हूँ कि हम अपने जीवन काल में कितने लोगों को पूरी तरह से संतुष्ट कर सकूँ, पूरी तरह से ठीक कर सकूँ। सर, अभी आप वर्ल्ड नेफ्रोलॉजिस्ट अवार्ड से भी सम्मानित हुए हैं, तो किडनी से संबंधित बीमारी, और आपका भी एक स्लोगन है कि किडनी स्वस्थ रहेगी तो डायलिसिस की जरूरत क्यों पड़ेगी, उसके विषय में बताइए क्यों आप ये कहते हैं। देखिए, कहा जाता है न रहेगी पथरी न होगी डायलिसिस, यानी कि डायलिसिस भाई देखिए क्यों जरूरत पड़ेगी। जनरली क्या होता है कि हम अक्सर पेशेंट जब मेरे पास आता है तो मैं देखता हूं कि जब वो रिपोर्ट करा करके आता है तो अगर उसकी किडनी का लेवल थोड़ा सा बढ़ गया, मान लीजिए कि 5 हो गया, 6 हो गया, यूरिया मान लीजिए 70 हो गई, 80 हो गई, 100 हो गई, तो हम अक्सर देखते हैं क्या कि वो यही कहता है कि डॉक्टर साहब हमको, मैं फलाना डॉक्टर को दिखाया था, लोहिया में दिखाया था, PGI में दिखाया था, मेडिकल कॉलेज में दिखाया था, या और भी बड़े बड़े नेफ्रोलॉजिस्टों को दिखाया था, तो उन्होंने ये कहा कि तुम्हारी डायलिसिस करानी ही पड़ेगी। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि भाई अगर आप सिर्फ उस रिपोर्ट के आधार पे आप कैसे कह सकते हैं कि आपको डायलिसिस करानी ही पड़ेगी। भाई देखिए, डायलिसिस का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारी यूरिन का फ्लो बॉडी में नहीं है तो हम डायलिसिस कराएंगे। लेकिन बहुत ऐसे पेशेंट होते हैं कि जिनकी क्रिएटिनिन यूरिया का लेवल काफ़ी बढ़ा हुआ है बट उनकी फिजिकल कंडीशन काफ़ी अच्छी है, तो ऐसे में वही डायलिसिस, हम क्यों डायलिसिस कराएंगे। तो मैं तो प्रयास यही करता हूँ कि भाई देखिए डायलिसिस क्या होता है कि एक भाई एक बैसाखी है, एक बार आदमी पकड़ लिया तो उसकी वो डिमांड करने लगता है। जैसे जब तक घर में एसी नहीं लगे रहे तब तक हम पंखे से भी सो लेते हैं, कूलर से भी सो लेते हैं, लेकिन जब एसी लग जाती है, एक महीने उसकी आदत पड़ जाती है, तो हम बिना एसी के सो नहीं पाते। तो वही चीज है, अगर डायलिसिस होने लगती है तो बॉडी को डायलिसिस, तो हम पहले प्रयास करते हैं कि उसकी डायलिसिस ना हो। और होम्योपैथी में बहुत ऐसी दवाएं हैं श्रीमान जी कि डायलिसिस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दवा जब हम लोग देते हैं तो उस कॉजेटिव फैक्टर को रिमूव करके और पेशेंट के यूरिन और सारी क्रियाएं सही होने लगती हैं, धीरे 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 उसकी डायलिसिस बंद हो जाती है। और डायलिसिस नहीं हो रही तब तो हम लोग बहुत खुश होते हैं कि चलो तुम बहुत सही समय पर आ गए हो, मैं कोशिश करूँगा तुम्हें यहीं से बिल्कुल ठीक हो गए। और हौसले में बड़ी उड़ान होती है, मैं हौसलों के द्वारा ऐसे आज हजारों पेशेंट हैं, हजारों आप शुभचिंतकों के मेरे वीडियो हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं जो आ करके कहते हैं कि प्रभु आपने मुझे ठीक किया। और सचमुच में मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई ऐसे असंभव सी चीजें जहां वो हार मान चुका था और आज वो सामान्य जीवन जी रहा है। बहुत ऐसे पेशेंट हैं जो जिनकी किडनी 15 साल पहले खराब हुई थी और आके मिलने के लिए सिर्फ आते हैं, कहते हैं कि सर आप ने मुझे इलाज किया, अब तक मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मुझे बहुत ही आनंदित करता है और लगता है कि मेरा चिकित्सा धर्म सफल हो गया। सर, आपसे हमने चिकित्सा जगत की काफी बातें कर ली, अब हम बात करते हैं कुछ और। जर्सों को आपको बता दें कि डॉक्टर SB तिवारी कल्याण जी एक योग प्रशिक्षक भी हैं, योग में इनको महारत हासिल है, इसके साथ साथ कविताएं रचनाएं भी बहुत अच्छी करते हैं, उन चीजों पर कुछ बात करते हैं। सर, योग के आप एक बहुत प्रतिष्ठित, मतलब आपको योग बहुत अच्छी तरह आता है, आपने सिंगापुर में भी एक बड़े मंच पर योग करके दिखाया था जिसको देखकर सब चकित रह गए थे, योग से इतना लगाव कैसे? देखिए, कहा जाता है ना कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। योग जैसे आप कपड़ा है, कपड़े को बहुत अच्छे डिटर्जेंट से धुल लें,
लेकिन जब तक उसके आयरन ना करें, उसको प्रेस ना करें, तो कपड़े में चमक नहीं आती है। ठीक वैसे ही ये हमारा शरीर है, खूब अच्छा इसको खाना दे रहे हैं, खूब अच्छा इसको कपड़ा दे रहे हैं, खूब अच्छा इसकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन अगर इसको योग से अगर इसे संतुलित नहीं रखते हैं तो ये डिसबैलेंस हो जाता है। तो योग क्या है? योग कर्मेश कौशलम, योग चित्त वृत्ति निरोधा, यानी कि योग हमारे चित्त और वृत्ति को बिल्कुल सही रखता है। योग से कर्म में कुशलता आती है और योग हमारे शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाने का एक सबसे सुगम और सरल तरीका है। अतः योग सबको करना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि नित्य लगभग 2 से 2.5 घंटा मुझे योग करना है, अपनी एक्टिविटी करना है। और मुझे पता है कि शरीर सही रहेगी तभी हम अपने पेशेंट को भी सही रख सकते हैं, खुद को सही रखते हैं, समाज को सही रख सकते हैं। इसलिए कि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, जब हम कहा गया है कि जवान जोगी वैद्य रोगी, तो वह अगर हम डॉक्टर हैं, अगर हम रोगी हो जाएंगे तो हम दूसरे का क्या इलाज करेंगे। इसलिए मेरी मजबूरी है, मेरा शौक है, मेरी हॉबी है, मुझे खुद को फिट रखना है। सर एक आखिरी सवाल, आप रचनाएं भी कविताएं भी खूब लिखते हैं, आपने चिकित्सक के ऊपर एक अपनी रचना करी है जो चिकित्सक के कर्तव्य को दर्शाती है, हम वो कविता जरूर दर्शकों के लिए सुनना चाहेंगे। देखिए चिकित्सक के चार धर्म मैंने बताया है, चिकित्सक के चार धर्म हमने बताया है। देखिए जब कोई पेशेंट आपके पास आता है तो यही चाहता है कि डॉक्टर हमें अच्छे से बात करे, अच्छी दवा दे, हमारी बातों को सुने, लेकिन आज इसी की कमी है। कहीं ना कहीं जो है हम इमोशनली अटैच नहीं होते हैं पेशेंट से, जिससे क्या होता है हम प्रोफेशनल हो गए हैं, तो हमें इमोशनली पेशेंट से अटैच होना पड़ेगा। और मैंने उसमें लिखा है कि पहला धर्म है उसका उसके जगह पे रखना और पूछना है खुद से गर खुद को ऐसा होता, क्या चाहता मैं उससे जो भाव मन में आए, क्या चाहता मैं उससे जो भाव मन में आए, उसे मूर्त रूप देकर पहला धर्म निभाए। तो चिकित्सक का पहला धर्म यही है कि पेशेंट की समस्या को अपनी समस्या समझे और ये मन में भाव करे कि अगर मुझे ऐसी समस्या होती तो हम एक चिकित्सक से क्या अपेक्षा करते। जैसे ये कनेक्शन जुड़ता है ना, आप समझ लीजिए मैं भारतवर्ष में रहता हूँ और अध्यात्म से भी मेरी गहरी रुचि है, तो मैं बता रहा हूँ जब इमोशनली अटैचमेंट होता है ना, जब आप दिल में किसी के जगह बनाते हो, जब अच्छे से बात करते हो पेशेंट से ना, तो पेशेंट कहता है कि तो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, मेरी पूरी बात सुन लिए और मैं इनके यहाँ ठीक हो जाऊंगा। तो बहुत पेशेंट आगे यही कहते बैठे बैठे कहते हैं सर अब आपके यहाँ तो मैं ठीक हो जाऊंगा, मुझे विश्वास हो गया। तो आपको पहले विश्वास पैदा करना। धन्यवाद सर। तो हमने बात करी आज बहुमुखी प्रतिभा के धनी डॉक्टर एसबी तिवारी कल्याण जी से, जिनको अभी कुछ समय पूर्व दुबई के एक प्रतिष्ठित होटल में वर्ल्ड होम्योपैथी समिट में वर्ल्ड नेफोलॉजिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन्होंने भारत का नाम कई जगहों पर रोशन किया, इस तरह के अवार्ड इनको कई मिल चुके हैं, लिंका बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका नाम है। अपने पेशेंट की सेवा को ये अपना सर्वोत्तम धर्म मानते हैं। डॉक्टर साहब से जब हमने बात करते हुए चिकित्सक के धर्म और चिकित्सक के कर्तव्य पर कहा तो उनका यही कहना है कि सबसे पहले तो चिकित्सक को अपने पेशेंट से एक रिश्ता बनाना चाहिए, उससे भावनात्मक जुड़ाव रखना चाहिए, क्योंकि जब भावनात्मक जुड़ाव होता है तो आप उसकी सेवा करने के लिए और भी अच्छी तरह से मेहनत कर सकते हैं। इस चीज की आजकल के चिकित्सकों में काफी कमी देखी जाती है, चिकित्सक प्रोफेशनल हो चुके हैं, वो भावनात्मक जुड़ाव नहीं रखते, केवल एक बीमार और एक चिकित्सक की तरह अपना ट्रीटमेंट करते हैं। तो डॉक्टर एसबी तिवारी कल्याण जी का यह कहना कि भावनात्मक जुड़ाव रखिए तो आप अपने पेशेंट को जल्दी ठीक कर पाएंगे और पेशेंट भी जल्दी ठीक होने के लिए ही कोशिश करेंगे। वीडियो जर्नी अखिलेश सिंह।